अस्सलाम जी, वेलकम बैक टू द चैनल मजबूत बस। हम तो कैसे सब उम्मीद करता हूँ हरगे से होंगे। सो फाइनली सबसे पहले आप ये देखें घर के हालात देख सकते हैं। अब मुकम्मल तौर पर घर चेंज हो चुका है। ये थोड़ा सा शेड टेढ़ा था, बताया था सीधा होगा, इसी वजह से ये सारा सीन हुआ पड़ा है। लेकिन मुझे एक अफसोस है कि बड़ी गाड़ी इंटर नहीं होगी। ये तो अब ऊपर है, उनसे पूछूँगा क्या सीन होगा इसका। अब देखो ना ये शेड कितना ऊपर है कि बस थोड़ा सा ही है। कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा इससे, मतलब यहाँ से भी अगर आप देखते हो अंदर से तो ये सारा क्लोज होगा। जब ये क्लोज़ हो जाएगा तो मेरी जान, ये कैसे वो मतलब कि होगा इसका सीन, ये परेशानी बना रही है। ये अब्बू से सवाल लाजमी करना है कि काफ़ी बार बड़ी गाड़ी आई जाती है लेकिन वो कैसे इंटर होगी। ये तो इंटर हो ही नहीं सकती, सिर्फ कार्स ही हो सकती हैं। तो वापस आने के बाद ना भाई मैं सीधा घर ही आ गया था। मैंने कहा आज व्लॉग नहीं, घर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि दिखाने के लिए कुछ तो होता नहीं है, बस यही होता है। तो ये भी ना दिखाएं, अभी छत पे भी जाना है, वहाँ की भी थोड़ी सी फुटेज दिखाता हूँ कि क्या सीन चल रहा है छत पे। अभी चाय पीऊँगा, उसके बाद अब्बू की चाय भी छत के ऊपर लेके जाऊँगा वहीं पर, तो वहाँ पर दिखाते हैं ऊपर क्या हो रहा है। आके लैपटॉप चार्जिंग लगाया, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। पता नहीं उसमें क्या सीन है, क्यों नहीं हो रहा, लेकिन नहीं हो रहा। आज रात को वो कंप्लीट करनी है वीडियो एडिट। नॉर्मल लोग जब मैं लैपटॉप पर एडिट करता हूँ ना तो बहुत आसानी से हो जाता है। वो वीडियो जब मैं एडिट कर रहा होता हूँ ना तो 10 मिनट के बाद ना लैपटॉप रोना शुरू कर देता है। भाई मेरी जान छोड़, मतलब कि फुटेज रुक जाती है, पूरा बम मतलब ब्लॉक हो जाता है पूरा लैपटॉप, ऐसा सीन है उसका। इसी वजह से वीडियो को आराम आराम से एडिट करना पड़ता है। पता नहीं क्यों कर रहा है ऐसा लैपटॉप, लेकिन 8 GB रैम है, 1 TB लगा हुआ है, इसके अलावा 256 वो लगी हुई है, क्या SSD लगी हुई है, फिर भी हो रहा है, ये नहीं पता लेकिन हो रहा है। छत पे चलते हैं, छत के भी हालात ना सही गंदे हुए पड़े हैं। ये दरवाज़ा सारा ख़राब हो चुका है बारिशों की वजह से, ये चेंज होगा। ये देखिए कच्चे रही कचरा, अब छत पर हैं तो इसी वजह से शायद वीडियो ना बना पाऊँ, लेकिन चलते हैं अगर बन गई तो ठीक है। मतलब कि ना यहाँ से ना आधा बैरियर टाउन दिखता है जो नया बन रहा है, सीन है तो यहाँ से मतलब कि मज़ा ही आ जाता है बैरियर टाउन को देखने का, जो सीन है ना ये देखें। यहाँ से वो सामने मेरा गाँव है, ठीक हो गया, वो मीनार नज़र आ रहा है, मैं दिखा देता हूँ। ये वाला गाँव है मेरा, ठीक हो गया, और ये मेरा घर है, सही है। तो ये चाचू के घर है सारे, और ये बैरियर टाउन है, ये बीच में नाला आ जाता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो भैया जी यहाँ तक सवाल है ना इस प्रोजेक्ट का, माशाल्लाह से वीडियो टोटली जो थी ना वो एडिट हो चुकी है, बस अब करना है सिर्फ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाएगी क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो है और बहुत एक्सपेंसिव वीडियो है, मतलब कि 1080p की है, और आप देख सकते हैं कि वाइट, मतलब कि अभी इनकोडिंग के लिए नहीं इतना टाइम लगा रही है। इनकोडिंग मीन्स इसके लिए थोड़ा सा वो होता है, इसका इनकोडिंग पहले आती है उसके बाद आगे एक्सपोर्टिंग ऑप्शन आता है। आप देखें इतना टाइम इस पर लगा रही है तो आगे जाकर क्या होगा, मेरी जान मतलब के 1-1.5 घंटा चाहिए कन्फर्म। आपका भाई ये देखें काफ़ी रख के बैठा था 1-1.5 घंटे से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो तो अपलोड हो चुकी थी लेकिन काफ़ी रहती थी। अस्सलाम वालेकुम जी, सो फाइनली आज की वीडियो जो थी ना शॉर्ट वो बन चुकी है, मैं भी बना के उठा। तो मतलब ऐसा है ना, आज के लिए मेरे पास व्लॉग नहीं था क्योंकि आज के लिए फुटेज बहुत कम पड़ी थी, मतलब इस वक्त के लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं व्लॉग की शक्ल में देके इसे मतलब के अपलोड कर दूं, वो मजा नहीं रहता। इसी वजह से मैंने यूट्यूब शॉर्ट बनाई है ताकि मतलब की ये हो जाए कि आज का बंदोबस्त हो जाए। यूट्यूब शॉर्ट बना चुका हूँ, अभी जा रहा हूँ काम पे, वहाँ पे आराम से एडिटिंग करके शाम को अपलोड हो जाएगी और शाम को अपने व्लॉग का जैसे आगाज करते हैं कर देंगे। गुड हो गया, आपकी काफी अच्छी वीडियो बनी है। सुबह सुबह जो वाइब्स आती है ना यहाँ छत पर, मजे किए हैं, आला किए हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऊपर चढ़ा हूँ, मुर्गियों के लिए दाने लेने चढ़ा था तो छत के ऊपर होते हैं, तो ये सीन था कि मजा ही आ गया। अब मैं यहाँ पे रुक गया, मैंने कहा थोड़ी देर मजे लेते हैं फिर नीचे जाते हैं, फिर कहाँ पे चले जाएंगे। और जहाँ तक बात की जाए ना इस सीन की, तो मैंने रात को अब्बू से बात की थी, ये थोड़ा सा नहीं गुलाई में जा रहा है, बाकी कुछ नहीं होगा, इतना नीचे नहीं आएगा लेंटर। ये तो हो गया, अब क्या करना है, सामान उठाना है अपना और चलना है किधर, काम पे। लैपटॉप को करते हैं बंद, बैग भी रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, गाड़ी को सलाख लगानी है और चलना है काम पे। वहां पर अब्बू वेट कर रहे हैं, अब्बू ने किसी काम से जाना है।
अब मैं जा रहा हूँ काम पे। सही है, आपको पता है वहाँ पर क्या सीन होता है, सारा दिन वहाँ पर गुजारना पड़ता है। बाकी शाम को जब आएंगे तो वो लोग को करेंगे कंटिन्यू। बाइक मैंने इसी वजह से बैग में डाला है क्योंकि शाम को शायद मैं वहाँ से जाऊँ इसकी तार चेंज करूँ, तो इसी वजह से मैंने डाला है क्योंकि काफी दिनों से ये पड़ा हुआ है, इसका कोई काम नहीं हो रहा और यूनिवर्सिटी ओपन होने वाली है और मुझे ये माइक जरूरत है, इसी वजह से ये सब कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास टाइम बहुत कम होता है तो आज मैंने सोचा कि वहीं से करते हैं क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। फाइनली यार अभी घर आया था, अभी टाइम हो गया है 9:30। खाना खा के ना फारिग हुआ हूँ, अभी जा रहा हूँ, छोटा सा काम है, वो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, दोस्त वेट कर रहा है, उसके पास जाना है। अडोबी का जो फोन का जो ऑप्शन होते हैं ना वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो मैंने दोस्त को कॉल की थी, उसने कहा था आ जाओ, 9:30 हो चुके हैं, उसके पास जा रहा हूँ। शायद वीडियो ना बना पाऊँ क्योंकि अंधेरा है, तो आपको पता है कि मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी, तो अभी ऐसा है वहां पर जा रहा हूँ। यहाँ तक सी आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यार भाई ऐसी है जिंदगी, अब बताओ मैं क्या करूं, सुबह काम शाम को बिल्कुल भी नहीं आराम, खुद अंदाजा लगाओ कि कितनी मुश्किल है।